Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और आपको टेक्निकल जी में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने भाई बहन या अपने बच्चों की लोकेशन चेक कर सकते हैं उनकी जीमेल आईडी की मदद से। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से किसी भी साल, किसी भी मंथ या किसी भी डेट और टाइम की लोकेशन हिस्ट्री उसकी चेक कर सकते हैं कि वो फलां दिन फलां टाइम पर किस जगह पर मौजूद था। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल के अंदर आपने लिखना है मैप्स। मैप लिखने के बाद दोस्तों, जो सबसे पहला रिजल्ट होगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक अहम पॉइंट आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप मेरे राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल जी लॉगिन आ रहा है। आपने यहाँ पे वो ईमेल लॉगिन करनी है जो आपके दोस्त भाई या आपके बच्चों में से किसी के भी मोबाइल में लॉगिन है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं जो मोबाइल यूज करता हूँ उसके अंदर मेरी ये वाली जीमेल लॉगिन है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं जो जीमेल मेरे मोबाइल के अंदर लॉगिन है उसकी पिक्चर आ गई यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये तीन लाइन जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी, इनके ऊपर क्लिक करना है। और इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है यूअर टाइमलाइन पर। दोस्तों, जैसे यूअर टाइमलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं डे मंथ एंड ईयर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जिस साल, जिस महीने या जिस दिन की भी उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं कि फलां दिन को वो किस जगह पर गया था और कितना टाइम वो वहां पर रहा था, तो आप यहां से वो डे मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी एक हिस्ट्री चेक कर लेता हूं। मैं ईयर सेलेक्ट करता हूं 2017 एंड मैं मंथ सेलेक्ट करता हूं अक्टूबर और यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 18। दोस्तों, जैसे यहां पे हमने तारीख, महीना और साल सेलेक्ट किया, यहां पे देख सकते हैं उस दिन की मेरी हिस्ट्री जो है यहां पे आपके सामने शो हो गई है कि मैंने कहां से कहां तक ट्रैवल किया था। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है होम शुभ्रा स्टेशन, यहां पे मेरा घर है। और यहां से दोस्तों, मैं इस जगह पर गया था, यहां पे हमारी मीटिंग थी रियाद इंटरनेशनल पे, यहाँ पे मैं गया था। और यहाँ से फिर मैं गया था ऑफिस में, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, और ऑफिस से डायरेक्ट मैं फिर घर वापस आया। तो आप देख सकते हैं मैं जिस दिन जिधर जिधर गया, ये सारी हिस्ट्री दिखा रहा है आपके सामने है मेरी सारी हिस्ट्री। यहाँ घर से दोस्तों मैं मीटिंग प्लेस पर गया हूँ, वहां से ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से फिर घर वापस आया हूँ। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5:13 से 5:41 आ रहा है सुबह का। तो ये भी मैं आपको समझाता चलूँ, 5:13 पे मैंने अपना सेल फोन ऑन किया था और 5:41 पर मैंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था। उसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने घर से लेके जहाँ पे हमारी मीटिंग थी वहां तक 19 किलोमीटर का ट्रेवल किया था, और वहां से फिर मैंने ऑफिस के लिए ट्रेवल किया 9.4 किलोमीटर का। फिर ऑफिस से दोस्तों मैंने वापसी घर के लिए 18 किलोमीटर का ट्रेवल किया। तो यहां पे मेरी कंप्लीट डिटेल आ रही है आपके सामने। दोस्तों, यहां से आप जो भी साल चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये देखें यहां पे मैंने 26 मई 2016 सेलेक्ट किया और यहां पे भी मेरी डिटेल आ रही है जहां से जहां तक मैंने ट्रैवल किया था। तो दोस्तों, इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने बच्चों की ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो कहां से कहां तक गया। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपका कोई भाई बाहर गया हुआ है और खुदा न खास्ता उसका सेल फोन बंद जा रहा है और आप परेशान हैं, तो आप यहां से उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम उसका सेल फोन कहां पे बंद हुआ था। और दोस्तों, यहां पे एक और बात क्लियर करता चलूं कि आपने जिसकी भी हिस्ट्री चेक करनी है उसके मोबाइल फोन में लोकेशन का ऑप्शन ऑन होना चाहिए और उसका इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए, और उसके अलावा उसकी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए या आपके सिस्टम में उसकी जीमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों, आप बड़ी आसानी से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसे होगा ये कि मैं नेक्स्ट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।